नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव ओपन इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और फेमस यूट्यूबर और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा शादी के बंधन में बंध गए हैं। 22 दिसंबर को धनश्री और युजवेंद्र ने शादी कर ली, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है। धनश्री और युजवेंद्र ने बड़े गुपचुप तरीके से शादी की। लोगों को उनकी शादी के बारे में तब पता चला जब धनश्री और युजवेंद्र ने खुद शादी की फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। बता दें, फेमस यूट्यूबर और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल हाल ही में शादी के बंधन में बंध गए हैं। 22 दिसंबर को दोनों ने मानेसर के होटल कर्मा लेकेंड में सात फेरे लिए। शादी के बाद धनश्री और युजवेंद्र ने अपनी शादी की कई तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की, जो काफी वायरल भी हुई। लेकिन सीधे शादी की फोटो देखकर लोगों के जहन में एक सवाल जरूर आया कि ना तो हल्दी हुई और ना ही कुछ और रस्में, सीधे शादी। तो धनश्री ने अपने फैंस के इन सवालों पर थोड़ा विराम लगा दिया है। कोरियोग्राफर ने सबसे पहले अपनी शादी की फोटो जरूर शेयर की थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे बाकी रस्मों की फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही हैं। शादी के बाद धनश्री ने अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर की और अब उन्होंने अपनी हल्दी सेरेमनी की फोटो शेयर की है। कोरियोग्राफर ने अपने इंस्टाग्राम पर ढेर सारी फोटो शेयर की है, जिसमें उनके और युजवेंद्र के चेहरे पर हल्दी लगी नजर आ रही है। इन फोटोज में धनश्री और युजवेंद्र के अलावा कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं और सभी काफी मस्ती के मूड में दिख रहे हैं। इससे पहले धनश्री ने अपनी सगाई की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। इन फोटोज में युजवेंद्र धनश्री के हाथों में अंगूठी पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी फोटो में दोनों अपनी अपनी अंगूठियां दिखाते हुए काफी खुश दिख रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए दोनों ने कैप्शन में लिखा है, सब कुछ बहुत खूबसूरत था, एंगेजमेंट डे। बता दें, अपनी एंगेजमेंट पर धनश्री और युजवेंद्र ने एक ही रंग का आउटफिट कैरी किया था, जहां धनश्री ने क्रीम कलर का लहंगा पहना था जिस पर ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई थी। वहीं युजवेंद्र ने ब्लू रंग का कुर्ता पहना था, जिसके साथ उन्होंने क्रीम कलर की जैकेट कैरी की थी। इन फोटोज में दोनों काफी खूबसूरत लग रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पन इंडिया।